गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने जो एलसीआर परिपथ है, एलसीआर परिपथ का जो हमने विश्लेषण किया था वो हमने फेजर विधि से किया था, फेजर आरेख विधि से किया था। किसे किया था? फेजर आरेख विधि से हमने इसका सॉल्यूशन किया था। एलसीआर में हमने देखा था कि जो एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा है जेआर इज इक्वल टू, वो कितना मिला था? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये प्रतिबाधा का फॉर्मूला हमने निकाला था, इंपीडेंस जेड। और हमने देखा तो जो टेन फाई हमें मिला था, जो काला कोण मिला था धारा और वोल्टेज के मध्य, वो मिला था बच्चों एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर। ठीक है, वही बात है, हमने देखा था कि अगर एक्सएल ज्यादा एक्ससी से तो परिपथ एल आर परिपथ की भांति व्यवहार करेगा, एक्सएल कम है एक्ससी से तो परिपथ सी आर की भांति व्यवहार करेगा, और अगर एक्सएल बराबर एक्ससी हो जाता है तो हमारा जो एलसीआर परिपथ है वो शुद्ध प्रतिरोध परिपथ की भांति व्यवहार करता है, और उस अवस्था को जब धारितीय प्रतिघात प्रेणिक प्रतिघात के बराबर हो जाता है उस अवस्था को बोलते हैं स्टेट ऑफ रेजोनेंस, यानी अनुनाद की अवस्था। उस समय धारा मैक्सिमम होती है तो प्रतिबाधा क्या हो जाती है? न्यूनतम। मैंने आपको बताया था कि एलसीआर परिपथ का सॉल्यूशन हम दो विधियों से करते हैं। पहला हमने फेजर आरेख विधि पढ़ ली, तो आज हम पढ़ेंगे उसका एनालिटिकल सॉल्यूशन, यानी विश्लेषणात्मक विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, तो तैयार हैं आप? ओके, तो चैप्टर 10 में एलसीआर परिपथ का विश्लेषणात्मक हल। तो एलसीआर परिपथ का हम विश्लेषण विधि से हल करें बच्चों। तो इसमें हमें वही है, बिल्कुल सेम करंट वोल्टेज, थोड़ा सा मेथड अब है, थोड़ा एनालिटिकल मेथड है, तो उसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो अब हम डायग्राम से नहीं, अब हम मैथमेटिक्स से ऐसे पूरी। ठीक है बच्चों, तो एलसीआर परिपथ का हम विश्लेषण विधि से हल करेंगे। ठीक है ओके। तो ये हमारा एलसीआर सर्किट था, ये मान लो एल था किसी कुंडली का प्रेरकत, ये मान लो सी था संधारित्र, और ये बच्चों क्या था? आर। ठीक है, ये L है प्रेरकत्व, ये C है संधारित्र है, और ये प्रतिरोध है। ठीक है बच्चों, तो हमने इसके श्रेणीक्रम संयोजन को एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज सोर्स से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। ओके, तो यह जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज सोर्स है V इज इक्वल टू कितना होता है? V नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है? V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये वोल्टेज हमारा कैसा है? एसी वोल्टेज है, तो जब आप एसी वोल्टेज सप्लाई करोगे तो हमें करंट भी कैसा मिलेगा? एसी मिलेगा। तो अब जैसे एल में करंट गया मान लो आई, एल में करंट आई है तो इसके सिरों पर विभवांतर क्या होता है बच्चों? वीएल। उसकी वैल्यू क्या होती है? वीएल इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। तो देखो मैंने यही लिख दिया, एल के सिरों पर विभवांतर होता है वीएल इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, हम पढ़ चुके हैं इसको। ऐसे सी के सिरों पर विभवांतर बात करें VC, अगर मान लो चार्ज है Q तो क्या हो जाएगा? Q अपॉन C। और R के सिरों पर जो विभवांतर है VR, वो क्या हो जाएगा? IR के इक्विवेलेंट होता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो ये टोटल वोल्टेज हमारे पे इस तरह मिलता है VL L di / dt, VC मिलता है बच्चों Q अपॉन C, और VR मिलता है IR के इक्विवेलेंट। ठीक है ओके, तो हम इसमें करंट मान के चलेंगे। क्या मानेंगे? करंट। ओके, तो हमें करंट निकालना होता है इसमें, तो यहां पर जो हमें टोटल वोल्टेज हमें मिल रही है, देखिए अतः मैं क्या लिख सकता हूं कि V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VL प्लस VC प्लस VR। क्लियर है? तो देखो वैल्यू पुट करते हैं, एनालिटिकल सॉल्यूशन है, मैथमेटिकल विधि है पूरी एक तरीके से, एनालिटिकल मैथड। ठीक है,
तो टोटल वोल्टेज हो गया V, तो V VL प्लस VC प्लस VR। तो V की वैल्यू क्या है हमारे पास, V की वैल्यू है V नॉट साइन ओमेगा t इज इक्वल टू, VL कितना है L di अपॉन dt, प्लस VC कितना है बच्चों Q अपॉन C, प्लस VR कितना है IR। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। हमें करंट निकालना है, करंट के लिए हमें इक्वेशन सॉल्व करना है और हमें एंगल निकालना होता है फेज एंगल। तो मैं खुद की मर्जी से मान रहा हूं कि माना जो करंट है I इज इक्वल टू, ठीक है, जो धारा इस परिपथ में प्रवाहित हो रही है उसको मैं क्या मान रहा हूं कि I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t माइनस फाइव। इक्वेशन नंबर मैंने इसको क्या मान लिया बच्चों, टू। क्लियर है, ये मैं करंट को मान के चल रहा हूं I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t माइनस फाइव, ठीक है। अब देखिए, अब इक्वेशन वन में मुझे इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो I तो मैं रख सकता हूं, तो मुझे di अपॉन dt चाहिए और q q चाहिए, क्योंकि L C R तो कांस्टेंट है, तो I मेरे पास है, इसका मैं डिफरेंशियल करूंगा तो di अपॉन dt आ जाएगा, और इंटीग्रेशन करूंगा, समाकलन करूंगा तो क्या आ जाएगा q, ठीक है। तो मैं निकालता हूं, देखो समीकरण नंबर दो से, समीकरण दो से क्या मिलेगा di अपॉन dt। इक्वेशन नंबर टू से हमें क्या मिल जाएगा di अपॉन dt मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, इक्वेशन नंबर टू से, तो di अपॉन dt निकाले तो क्या होगा बच्चों, देखो di अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt। I की वैल्यू क्या है, I नॉट साइन ओमेगा t माइनस फाइव, I की वैल्यू मेरे पास है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है। इसको सॉल्व करें, देखो I नॉट कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, नियतांक को बाहर लेते हैं, तो अवकलन होगा साइन का, तो साइन का क्या हो जाता है कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव, टी का गुणांक क्या है बच्चों ओमेगा, ठीक है। यानी मेरे पास जो डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू मुझे मिलेगी, ओमेगा को मैं आगे लिख लेता हूं, ओमेगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव, और ये हो गई इक्वेशन नंबर था। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैल्यू कैसी हो गई डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। तो इक्वेशन वन में देखा आई को मैं रख सकता हूं, डी आई अपॉन डी टी को मैंने रख दिया, अब बचा क्यू। क्यू कैसे निकालते हैं, सिंस क्यू का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, क्यू का मतलब क्या है बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, क्योंकि हमें पता है कि I का मतलब होता है dq अपॉन dt। तो आवेश का अवकलन करेंगे तो धारा आएगी, उल्टा कर दो धारा का समाकलन कर दो तो हमें चार्ज मिल जाएगा, आवेश हमें मिल जाएगा। तो बच्चों आप देख रहे हैं q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू है I नॉट साइन ओमेगा t माइनस फाइव dt, ठीक है, I नॉट साइन ओमेगा t माइनस फाइव dt। तो इसका इंटीग्रेशन करें, q इज इक्वल टू I नॉट क्या है कॉन्स्टेंट है, आई नॉट को बाहर ले लिया, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस। तो बच्चों साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है। अभी तो एंगल है पूरा, ये तो पूरा फेज एंगल है, जो भी उसको हमने एज इट इज लिख दिया, टी का कोई कोफिशिएंट है, टी का गुणांक है बिल्कुल है ओमेगा कॉन्स्टेंट, वो इसको नीचे लिख लेते हैं। ओके, तो यहां से बच्चों चार्ज की वैल्यू जो मुझे मिलेगी क्यू नॉट की वैल्यू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फोर। तो देखो इक्वेशन नंबर टू से आई की वैल्यू, इक्वेशन नंबर थर्ड से डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू, ठीक है, और इक्वेशन नंबर फोर से क्यू की वैल्यू मैं कहां रख रहा हूं इक्वेशन नंबर वन में, जो वन में पुट कर देते हैं हम, तो टू थ्री फोर से वैल्यू कहां रख दे वन में, समीकरण दो कोमा तीन व चार से मान, ठीक है, ये सारे मान हम कहां रख दे इक्वेशन नंबर वन में रख देते हैं, चार से मान वन में रखने पर, समीकरण दो कोमा तीन व चार से मान समीकरण नंबर किस में रखते हैं भाई एक में रखते हैं, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, ओके देखो क्या मिलने वाला है हमें, ओके देखो एल डी आई अपॉन डी टी, तो डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू ये रही, तो रखेंगे इसको ओमेगा आई नॉट
कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव, क्लियर है। तो एल की वैल्यू मैंने पुट कर दी, सॉरी एल तो है ही, डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू पुट कर दी, ओमेगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस क्यू अपॉन सी, तो वन अपॉन सी तो है ही, क्यू की वैल्यू मैं रख रहा हूं कि भाई माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव, माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है। और वी आर, वी आर का मतलब आई आर, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, देखो आई आर, आई का मतलब आई नॉट आर साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है। ये हो गया हमारे पास आर एच एस, और एल एच एस में क्या था, एल एच एस इक्वल था हमारे पास वी नॉट साइन ओमेगा टी, क्या था बच्चों, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसे हमें सॉल्व करना है, समझ गए। डी अपॉन डी टी की वैल्यू रखी मैंने, क्यू की वैल्यू रखी, और आई की वैल्यू पुट कर दी, आई नॉट आर साइन ओमेगा टी माइनस फाइव मिला हमें, और इज इक्वल टू क्या, ये वी नॉट साइन ओमेगा टी क्या है। तो बच्चों इसे हमें सॉल्व करना है, तो मैं इसको यहां से कर रहा हूं इसे, क्योंकि आपको यहां फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। तो यहां तक आप पहुंच चुके हैं, ठीक है ना, आगे देखो। तो मैं यहां से स्टार्टिंग से सॉल्व कर रहा हूं इसको, ताकि आपको समझने और देखने में कोई परेशानी का अनुभव ना हो। ओके, देखिए भाई, तो इसे लेके चले आप, तो ठीक है ना, वो दिखाई दे रहा है साफ साफ, क्लियर है। ओके, अब देखो वो जो मैंने राइट साइड में लिख रखा है, उसका हल, उसका जो सॉल्यूशन मैं लेफ्ट साइड में कर रहा हूं, क्योंकि तो सबके फॉर्मूला में खोलने पड़ेंगे। देखो एल ओमेगा आई नॉट, बच्चों कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए माइनस बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इसे हम इस तरह खोलें कि कोस ए कोस बी, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। माइनस देखो आई नॉट अपॉन ओमेगा सी को बाहर ले लिया हमने, कोस ओमेगा टी माइनस फाइव, तो दोबारा वही फॉर्मूला, ओमेगा टी माइनस आ गया, तो कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, यहां प्लस आ जाता है, तो वही बात है, कोस ए माइनस बी यानी कोस ए कोस बी प्लस साइन ए और ये साइन बी, ठीक है बच्चों, क्लियर है। ओके, अब देखो ये वाला बचा लास्ट स्टेप, ये वाला स्टेप बचा मेरे पास, ये वाला, ठीक है ना, एक पूरी लाइन में आ जाएगा ये प्लस, ठीक है, प्लस आई नॉट आर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है बच्चों, और बराबर में क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, बराबर है वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये इक्वेशन है, ठीक है ना, एक लंबी से लाइन, क्लियर है। ओके, अब आपको दिख रहा है ये जो इक्वेशन नंबर आपको मिली हुई है, यहां कुछ जो एलएचएस में पद है वो कोस ओमेगा टी के हैं और कुछ साइन ओमेगा टी के हैं, तो अपन इनको भी सेपरेट कर लें। तो हम देखते हैं कोस ओमेगा टी के कौन कौन से पद हमें यहां मिल रहे हैं। देखो कोस ओमेगा टी मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया कोस ओमेगा टी, तो एक तो ये मिला, क्या मिलेगा, ओमेगा एल आई नॉट कोस फाइव, कोस ओमेगा टी का पद मिल गया, ग्यारह कोस ओमेगा टी यानी माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा सी कोस फाइव, ठीक है, ये कोस ओमेगा टी मिल गया। और यहां नहीं है, यहां आपको मिल रहा है कोस ओमेगा टी कि माइनस का आई नॉट आर साइन फाइव, तो ये जो तीन पद मुझे मिले वो कोस ओमेगा टी के मिल गए, ठीक है, टोटल छह पद है, तीन कोस ओमेगा टी के और तीन होंगे साइन ओमेगा टी के, कोस ओमेगा टी प्लस, अब मैं लिख रहा हूं बच्चों साइन ओमेगा टी के पद लिख रहा हूं, साइन ओमेगा टी के गुणांक कौन कौन से, देखो तो साइन ओमेगा टी इसमें आ रहा है, तो ये हो गया हमारे पास ओमेगा एल आई नॉट साइन फाइव, और देखो साइन ओमेगा टी इसमें भी आ रहा है, तो माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा सी साइन फाइव, ठीक है, और साइन ओमेगा टी इसमें भी आ रहा है यानी प्लस का आई नॉट आर कॉस फाइव, साइन ओमेगा टी कॉमन आ रहा है, इज इक्वल टू
वी नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर इसमें मान लेता बच्चों 5, ठीक है, इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई ये 5, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, अदो समीकरण नंबर 5 आपको इक्वेशन आपको दे रखी है कि NHS इज इक्वल टू RHS, यह cos ओमेगा टी का पद है, यह sin ओमेगा टी के पद है, एक cos ओमेगा टी का हमें टर्म मिल गया, cos sin ओमेगा टी का हमें मिला, वहां केवल sin ओमेगा टी है, तो इसको कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो वहां देख रहे हैं कि समीकरण नंबर 5 में cos ओमेगा टी का कोई पद नहीं है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, देखो कि दोनों पक्षों में cos ओमेगा टी व sin ओमेगा टी के गुणांकों की, ये cos ओमेगा टी का गुणांक है, ये sin ओमेगा टी का गुणांक है, वहां केवल sin ओमेगा टी का गुणांक है, तो दोनों पक्षों में cos ओमेगा टी व sin ओमेगा टी के गुणांकों की तुलना कर दें, तुलना करने पर, ठीक है, तो देख रहे वहां cos ओमेगा टी का गुणांक नहीं है, यहां cos ओमेगा टी का गुणांक ये है, तो क्या मिलेगा आपको, देखो ओमेगा एल आई नॉट cos फाई माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा सी cos फाई माइनस आई नॉट आर साइन फाई, ये बच्चों क्या मिलेगा आपको, जीरो, क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, क्लियर है, ओके, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखो तो क्या मिलता है, देखो अपन को यहां से, तो आप देख रहे हो यहां cos फाई आ रहा है, cos फाई और I नॉट भी आ रहा है हमारे पास कॉमन, I नॉट cos फाई, I नॉट cos फाई, तो यहां से क्या मिलता है आपको, ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी, इसको मैं उधर ले जाऊं तो ये हो गया बच्चों I नॉट R साइन फाई, ठीक है, तो आपको बिल्कुल पता लग रहा होगा यहां से हमें किसकी वैल्यू मिल रही है, देखो I नॉट से I नॉट कैंसिल हो गया, तो बच्चों cos को उधर ले जाओ, R को नीचे ले आओ, तो ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी, ठीक है, ये रहा, आर को नीचे ले आओ, ये बन गया आर, और cos को इधर ले जाओ तो नीचे आ जाएगा sin 5 अपॉन cos 5, क्लियर है, तो क्या मिल गया आपको, tan 5 मिल गया ना, तो इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, तो sin अपॉन cos क्या होता है, tan 5, तो tan 5 इज इक्वल टू क्या मिल गया, ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर, तो यही था आपका tan 5, यानी 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर, तो ये आ गया आपका फाइव की वैल्यू, यानी cos ओमेगा टी के गुणांकों की जब हमने तुलना करी तो हमें फाइव मिल गया, विश्लेषण विधि से एनालिटिकल सॉल्यूशन हमें मिला, फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी अपॉन कैपिटल आर, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 6, ठीक है, अब हम किसी तुलना करें, अब हम साइन ओमेगा टी की तुलना करते हैं, ओके तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू ये रही, तो देखो साइन ओमेगा टी की तुलना करें तो यहां से मिल रहा आपको ओमेगा एल, यहां खड़ा हो जाता हूं मैं, ये साइन ओमेगा टी का पद है और यहां वी नॉट है, तो तुलना करें हम, तो ओमेगा एल आई नॉट साइन फाइव, ठीक है, माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा सी साइन फाइव प्लस का आई नॉट आर कॉस फाइव इज इक्वल टू क्या आएगा, वी नॉट, क्योंकि साइन ओमेगा टी का गुणांक यहां पर जीरो नहीं है, वी नॉट है, ओके तो इसे हम सॉल्व करते हैं, तो यहां से देखो आई नॉट आपको मिल जाएगा, क्लियर है, तो क्या मिलेगा आपको, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, यहां पर देखो आई नॉट कॉमन ले लेते हैं आई नॉट, और यहां से साइन फाइव कॉमन आ जाएगा, ठीक है, आई नॉट साइन फाइव, तो ये तो क्या बन गया, ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी, ठीक है, और प्लस आई नॉट, तो बच्चों देखो मैं आई नॉट दोनों में कॉमन ले रहा हूं, तो ये आई नॉट कॉमन आके केवल क्या बचेगा, आर कॉस फाइव इज इक्वल टू क्या, वी नॉट, ठीक है, तो यहां से देखो आई नॉट लेके चले और इसे और सॉल्व कर ले, देखो आई नॉट, अब मान लो मेरे पास साइन फाइव है कॉस फाइव है, मुझे इसको टेन फाइव बनाना है, क्या बनाना है बच्चों, टेन फाइव बनाना है, ठीक है, तो हम इसको बना सकते हैं टेन फाइव, अपन क्या करते हैं दोनों पक्षों में कॉस फाइव से भाग देते हैं दोनों पक्षों में, चलो इसको मैं नीचे लेके दिखाता हूं, आई नॉट इज इक्वल टू, इसको नीचे ले आते हैं,
वी नॉट अपॉन, ये क्या आएगा साइन फाइव, अंदर क्या बचेगा ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी प्लस आर कॉस फाइव, ठीक है बच्चों, वी नॉट अपॉन साइन फाइव ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी प्लस आर कॉस फाइव, ये आई नॉट इज इक्वल टू हमें मिल गया। अब आपको अगर सर उस रूप का तो नहीं आया, वो तो क्या होना चाहिए वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होना चाहिए, बिल्कुल उसी रूप का आएगा। अब देखिए देखो टेन फाइव ये रहा आपके पास, या तो आप ऐसा करें साइन फाइव कॉस फाइव यहां से लिख दें, साइन फाइव और कॉस फाइव की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं, टेन फाइव को दे रखा है ठीक है, या अपन ऐसा कर सकते हैं कि आई नॉट इज इक्वल टू देखो वी नॉट अपॉन, अपन ऐसा करें कॉस फाइव से दोनों और गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, हम किसे गुणा कर दें कॉस फाइव से, मतलब भाग दे दें कॉस फाइव से, क्या देते बच्चों भाग दे दें, तो यहां साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा टेन फाइव हो जाएगा, यहां कॉस कट जाएगा, तो मैं वी नॉट अपॉन कॉस फाइव अंश और हर में कॉस फाइव से भाग दे रहा हूं, यह भाग दिया ठीक है, दोनों पक्षों दोनों अंश और हर में देना पड़ेगा तो कॉस फाइव से भाग दिया, और यहां भाग देंगे तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा टेन फाइव, और ये हो गया ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी, और कॉस फाइव से भाग देंगे तो केवल क्या बचेगा आर बचेगा, केवल क्या बचेगा बच्चों आर बचेगा ठीक है। अब देखो टेन फाइव की वैल्यू क्या मिलती है हमें, अबे यहां लिखना है इसको, क्लियर है ना, आ रही बात समझ में ठीक है बच्चों, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा, तो ये स्टेप हम इसको ऐसे कर सकते हैं आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट ठीक है। तो बच्चे दो तरीके हैं, या तो अपन ऐसा करते हैं कि कॉस फाइव से भाग दे दें ठीक है, तो या और सिंपल है कि आप यहां टेन फाइव बना सकते हैं, अपन आर को कॉमन ले लें वी नॉट, देखो मैं अगर आर कॉमन लेता हूं, अगर आर कॉमन लेता हूं तो क्या आएगा, देखो साइन फाइव यहां आ जाएगा ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर और प्लस कॉस फाइव, ये बचेगा आर मैंने क्या ले लिया कॉमन, अब ये ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर ये क्या है टेन फाइव होता है बच्चों, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर तो है मेरे पास, देखो साइन फाइव अभी ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर ये हो गया टेन फाइव, ये हो गया साइन फाइव इंटू टेन फाइव प्लस कॉस फाइव ठीक है ओके तो इसे हम सॉल्व करें, यानी आई नॉट इज इक्वल टू देखो वी नॉट अपॉन आर, इसे आप सॉल्व करें वन अपॉन देखो साइन फाइव, टेन फाइव का मतलब साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस प्लस का वन, तो क्या होगा बच्चा बताओ ये सॉल्व कोस फाइव यस, तो साइन फाइव टेन फाइव का मतलब साइन अपॉन कोस प्लस कोस, तो इसे हम सॉल्व करें तो बच्चो आई नॉट इज इक्वल टू यानी v नॉट अपॉन r, तो देखो साइन फाइव इंटू साइन फाइव क्या हो गया साइन स्क्वायर फाइव, ये हो गया वन अपॉन साइन इंटू साइन क्या हो गया साइन स्क्वायर फाइव, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर फाइव, और ये कॉस फाइव ऊपर चला जाएगा तो इधर आ गया कॉस फाइव ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव क्या होता है वन होता है, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव क्या होता है भाई वन, तो मुझे आई नॉट क्या मिलेगा, तो आई नॉट की वैल्यू मुझे क्या मिल गई कि v नॉट cos phi अपॉन r ठीक है, क्योंकि sin square phi plus cos square phi क्या होता है बच्चों वन, तो आप cos phi की वैल्यू आप निकाल सकते हैं cos phi क्या होगा देखो, चूंकि इसको इक्वेशन नंबर सिक्स मान लेते हैं, चूंकि आपको पता है कि जो tan phi होता है tan phi की वैल्यू है ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर ठीक है, tan phi का मतलब होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार ठीक है, ये आप जानते हैं tan phi क्या होता है भाई लंब बटा आधार, तो अगर हम न्यायकरण की बात करें ये वाली बात हो गई हमारे पास, देखिए ये 90 phi है तो लंब तो कितना है
लंब है ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी, ठीक है। और आर कितना है भाई, ये आर है। तो कर्ण क्या होगा, कर्ण का मतलब अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, यानी आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ये कर्ण हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का अंडर रूट। तो इस डायग्राम से आप कोस फाई निकाल सकते हैं। कोस फाई क्या होगा, कोस फाई का मतलब क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, यानी आर अपॉन ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी, ये क्या होता है बच्चों, आधार बटा कर्ण, सॉरी सॉरी लंब हो गया, आधार बटा कर्ण की वैल्यू में रखनी है, आधार ये है कर्ण ये, अंडर रूट क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, कॉस फाई की। तो कॉस फाई की वैल्यू इसमें रखी इक्वेशन सिक्स में, देखो समीकरण छह से जो आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर, कॉस फाई कितना है, कॉस फाई की वैल्यू पुट कर दो, ये कॉस फाई हमारे पास है इन टू आर अपॉन अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, आप देख रहे हैं आर से आर कैंसिल हो गया, यानी जो हमें धारा का शिखर मान मिला आई नॉट इज इक्वल टू वो कितना मिलेगा, वी नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये हो गया बच्चों हमारे पास धारा का शिखर मान, इक्वेशन नंबर सेवन, ठीक है। तो हमने टेन फाइव भी निकाल लिया, यानी कला कोण भी निकाल लिया और धारा का शिखर मान भी हम निकाल चुके हैं। तो आगे बात समझ में आपको, तो ये हमने विश्लेषणात्मक विधि से दोनों की बात हमने करी, क्लियर है बच्चों। तो आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन, ये जो मान आ रहा है ये किसकी वैल्यू होगी, प्रतिबाधा की वैल्यू, बाकी चीजें वही है सारी। तो देखो हमें पता है कि एलसीआर परिपथ के लिए जो आई नॉट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वी नॉट अपॉन जेड, इक्वेशन नंबर एट होना चाहिए। तो जेड क्या होगा, देखो समीकरण सात व आठ की बात करें हम, समीकरण सात और आठ से, तो धारा आपको मिल रही है तो वोल्टेज के नीचे जो कुछ भी होगा प्रतिबाधा होगी। तो समीकरण सात में आठ से जेड एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा अंडर रूट क्या मिल गया, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर, तो ये मिल गया आपको प्रतिबाधा, ठीक है। अब वही बात है कि अगर ओमेगा एल इज ग्रेटर देन वन अपॉन ओमेगा सी होगा तो हमारा एलसीआर परिपथ किसकी भांति व्यवहार करेगा, एलआर परिपथ की भांति, यानी वोल्टेज आगे होगा पाई बाय टू कला कोण से धारा से। यदि ओमेगा एल लेस देन वन अपॉन ओमेगा सी होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि एलसीआर जो परिपथ है वो सीआर परिपथ की भांति व्यवहार करेगा, और अगर ओमेगा एल की वैल्यू वन अपॉन ओमेगा सी के बराबर होगी तो एलसीआर परिपथ किसकी भांति व्यवहार करेगा, आर परिपथ की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है बच्चों, किसकी भांति व्यवहार करेगा, आर परिपथ की भांति। तो जब प्रेरणिक प्रतिघात का मान, जब प्रेरणिक प्रतिघात का मान धारतीय प्रतिघात के बराबर होता है तो वो कौन सी अवस्था होती है, अनुनाद की अवस्था होती है। देखो अनुनाद की अवस्था की मैं बात करूं, अनुनाद रेजोनेंस, ठीक है ना, रेजोनेंस। तो अनुनाद की अवस्था के लिए अनुनाद की अवस्था के लिए क्या होगा कि XL इज इक्वल टू क्या हो जाता है भाई, XC, यानी अनुनाद की अवस्था के लिए XL बराबर XC, इसका मतलब क्या हुआ कि XL माइनस XC की वैल्यू क्या होती है, जीरो, ठीक है। यानी अनुनाद की अवस्था में जो परिणामी प्रतिघात है वो जीरो हो जाता है, यानी कोई प्रतिघात नहीं बचता इसमें, हम परिणामी प्रतिघात की वैल्यू क्या हो जाती है, शून्य। तो देखो अनुनाद जो है वो किस आवृत्ति से है, तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं इक्वेशन वन से, XL मतलब क्या होता है ओमेगा एल, एक्सी का मतलब वन अपॉन ओमेगा सी। तो यहां से बच्चों ओमेगा को इधर ले जाए तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, वन अपॉन एल सी, यानी ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट, इसको मैं ऐसे लिख दूं, ओमेगा इज इक्वल टू वन अपॉन रूट एल सी,
इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अनुनाद की अवस्था की बात कर रहे हैं, तो ये ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, इसे बोलते हैं अनुनादी कोणीय आवृत्ति। ओमेगा को क्या बोलते हैं? अनुनादी कोणीय आवृत्ति। ओमेगा को अपन क्या बोलते हैं? अनुनादी कोणीय आवृत्ति। अब हमें बताएं कि चूंकि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2πf। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2πf। तो यहां से बच्चों एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ओमेगा अपॉन 2π। ओमेगा होता है 2πf, तो एफ क्या हो गया? ओमेगा अपॉन 2π। तो एफ इज इक्वल टू यानी 1/2π, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 1/2π√LC। इसे बोलते हैं अनुनादी आवृत्ति, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये क्या होती है? अनुनादी आवृत्ति। क्या होती है बच्चों? अनुनादी आवृत्ति, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। स्मॉल एफ इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2π यानी 1/2π√LC। तो ये अनुनादी आवृत्ति कहलाती है और ये अनुनादी कोणीय आवृत्ति कहलाती है, ठीक है। तो इस तरह हमारे LCR परिपथ का जो विश्लेषण है वो विश्लेषणात्मक विधि से हमने पूरा करा। हमने फाई निकाला, हमने धारा का शिखर मान निकाला, प्रतिबाधा का मान निकाला, अनुनादी कोणीय आवृत्ति निकाली और अनुनादी आवृत्ति निकाली, ठीक है। तो मैथमेटिकली पूरा इसका प्रैक्टिस करें, ये आपका कंफर्म एक बिल्कुल कंटेस्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो नेक्स्ट अगले वीडियो में, थैंक यू।